ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स फुलनेस। ध्यान जीवन का उत्सव है, जीवन की पूरी परिपूर्णता में, जीवन की समग्रता में। ध्यान जीवन की समग्रता का उत्सव ही तो है, वो कोई अलग थलग घटना नहीं है। इसीलिए सूत्र कहता है कि जीवन की जो टोटल फुलनेस परिपूर्णता है उसका उत्सव है, हर डायमेंशन में, इन ऑल इट्स डायमेंशंस, सारे आयामों में। कोई भी आयाम उससे छूटता नहीं है, शरीर का, मन का, भाव का, ऊर्जा का एक ये डायमेंशन, फिर जीवन और जगत के सारे डायमेंशन, कुछ भी ध्यान से बाहर नहीं है। ध्यान एक व्यापक घटना है, ध्यान इंक्लूसिव इवेंट है, यानी कि वो शामिल करने की घटना है, वो एक्सक्लूड करने की घटना नहीं है कि जब तुम ध्यान में जाते हो तो सब कुछ छूट जाता है, तुम सब कुछ से बाहर हो जाते हो, अलग थलग हो जाते हो। ऐसा लोगों को अभी तक ध्यान के बारे में लगता है कि हर चीज़ से काट ले व्यक्ति अपने आप को तो ध्यान में चला जाएगा, जबकि वास्तव में ध्यान है कि हर चीज़ में जब तुम शामिल हो जाते हो तब ध्यान है। सब कुछ पूरे जगत में तुम परिव्याप्त हो जाते हो, तुम पूरे जगत में फैल जाते हो, कुछ भी तुमसे बाहर नहीं रह जाता, कुछ भी तुमसे अलग थलग नहीं रह जाता, तो वही ध्यान होता है। और जब कोई व्यक्ति इस इंक्लूसिव इनसाइट से चलता है, समावेशी अंतर्दृष्टि से चलता है, शामिल करने की अंतर्दृष्टि से चलता है, तो जीवन में उत्सव प्रवेश करता है। उत्सव का अर्थ ये नहीं है कि तुम नाचने गाने लगोगे तो उत्सव होगा, ये उत्सव की बड़ी शैलो डेफिनेशन है या शैलो कॉन्सेप्ट है या शैलो एक्सप्रेशन है, उथला उसका ढंग है अभिव्यक्त करने का। क्योंकि जब तुम नाच गा रहे हो तब भी तुमने अपने को अलग थलग कर लिया है, कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है। हो सकता है नाचना घटे, गाना घटे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस उत्सव की बात सूत्र कहता है वो उत्सव है जीवंतता से छलकने लगना। और जीवंतता से व्यक्ति तभी छलकता है जब वो पूरे जीवन में शामिल होता है, जो उसकी परिपूर्णता है जीवन की, उसके सारे आयामों में शामिल होता है, कहीं से अलग थलग कटा हुआ नहीं अनुभव करता। अगर अलग थलग कटा हुआ अनुभव करेगा तो फिर वो अलगाव ही उसको उत्सवपूर्ण नहीं होने देगा। और अगर उस अलगाव में कोई उत्सवपूर्णता वो शामिल भी करता है तो वो भी अधूरापन ही पैदा करती है। इसीलिए कई बार जो उत्सव मनाने वाले लोग होते हैं वो कभी उत्सव से बाहर भी होते हैं और फिर उत्सव मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक एडिक्शन जैसा हो जाता है कि उत्सव में आना है, उत्सव से बाहर जाना है, फिर उसमें जाना है। लेकिन जब जीवन ही उत्सव बन जाए, हमारा सांसें लेना, देखना, सुनना यही उत्सव बन जाए, हमारा जीवित रहना, हमारे शरीर में प्राणों का बहना ही उत्सव बन जाए, तो वो उत्सव जीवन का, समग्र जीवन का उत्सव होता है। वो समावेशी अंतर्दृष्टि का, इंक्लूसिव इनसाइट का सेलिब्रेशन होता है। और ये इतना सरल है, बस इसके प्रति हमें अपना दृष्टिकोण बदलना। कभी प्रयोग के तौर से इसको करके देखें कि बस अपने जीवित होने को अनुभव करें, और ये इतना आनंदित करने वाला होगा कि तुम अपने अंदर एक स्टेशी अनुभव करोगे, एक गहरा आनंद अनुभव करोगे कि जीवित होना ही कितना आनंदपूर्ण है। अब तुमको अलग से आनंदित होने के लिए कुछ नहीं चाहिए कि तुमको अब सिनेमा देखना है तो आनंदित होगे, तुमको कुछ गाना सुनना है तो तुम आनंदित होगे, तुमको कुछ और करना है तब तुम आनंदित होगे। तुम आनंदित हो जीवन में होने से, क्योंकि हम जीवन से कभी जुड़ने की कोशिश नहीं करते, हम भागे भागे से रहते हैं, तो भागे भागे से रहने में ही हम दूर दूर चले जाते हैं। तो जो ध्यानपूर्ण उत्सव होता है वो जीवन का उत्सव होता है, जिसमें नृत्य शामिल हो सकता है, जिसमें गीत शामिल हो सकते हैं, जिसमें सारे रंग शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो इन सब की परवाह नहीं करता। वो तो शांत बैठकर भी उत्सव में है,
मुखरता में भी उत्सव में है और मौन में भी उत्सव में है, कोई बाधा नहीं है। जीवंतता का प्रवाह और उसमें जुड़ना, उसको अनुभव करना, वही उत्सव पूर्णता है। तो जब सेलिब्रेशन की बात करी जाए तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सेलिब्रेशन कोई अलग घटना नहीं है, वो जीवंतता की चरम अवस्था है और वही ध्यान है।